हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुमे का न्यू चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि ब्रॉली का पंच पॉटहोल में से बाहर निकलता है एंड सीधा जाके वेजिटा के चेहरे पर लगता है, जिसके वजह से वेजिटा के मुँह से खून निकल रहा होता है। एंड इस पंच के वजह से हम देखते हैं कि एमरॉन भी पीछे खिसका जा रहा होता है एंड एमरॉन का भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन अपने हाथों से एक अटैक शूट करने वाला होता है वेजिटा की तरफ। हम देखते हैं कि एमरॉन ये अटैक अचानक से वेजिटा की तरफ शूट कर देता है एंड जैसे ही ये अटैक वेजिटा तक पहुंचता है, हम देखते हैं कि वो वेजिटा के छाती के आर पार होकर निकल जाता है। एंड वेजिटा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है। ब्रॉली बोलता है कि तुम अपने टेक्निक से वेजिटा को आज़ाद करो। एंड एमरॉन इसके बाद ब्रॉली से बोलता है कि तुम्हारा पास तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले, और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इतनी स्ट्रेंथ एंड इतना पावर हासिल करने के लिए, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। ब्रॉली एमरॉन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। एंड एमरॉन बोलता है कि नॉलेज, जो कि मेरी स्पेशलिटी है। ब्रॉली बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड्स को हर्ट करने नहीं दूंगा। इसके बाद एमरॉन डोला से बोलता है कि डोला तुम ब्रॉली का ध्यान रखो, पर मेरे और वेजिटा के फाइट के बीच इंटरफेयर मत करना, ये मेरी लड़ाई है। एंड डोला बोलता है कि यस सर। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली एकदम से एमरॉन के पास जाने वाला होता है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर वापस से एक पॉटल बन जाता है। एंड जैसे ही ब्रॉली उस पॉटल में से होकर निकलता है, वो डोला के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंड ब्रॉली बोलता है कि फिर से। एंड एमरॉन बोलता है कि बेवकूफ़ कह के। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा आ जाता है, वो भी पूरी तरीके से ज़ख्मी हालत में। एंड एमरॉन बेवकूफ़ वेजिटा को ही बोल रहा था। एंड एमरॉन बोलता है कि तुम फिर से आ गए, वो भी अपनी टूटी फूटी हड्डियों के साथ। एंड इसके बाद वेजिटा एमरॉन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। एंड वेजिटा बोलता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि इस तरीके का बेइज्जती करके तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, तो तुम गलत जगह भौंक रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन अपने हाथ में एक चेन बना लेता है, उसके की से बना हुआ। एंड एमरॉन बोलता है कि अब आओ भी। एंड वेजिटा बोलता है कि ऐसी बातें मत बोलो जिसका तुम्हें रिग्रेट हो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन फिर से अपना की से बना हुआ चेन वेजिटा की तरफ फेंकता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटा अपने हाथ से उस की से बने हुए चेन को पकड़ लेता है एंड उस की से बनी हुई चेन को खींचने लग जाता है। एंड वेजिटा बोलता है कि ये लो। एंड एमरॉन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है जहाँ वेजिटा उस की से बंधी हुई चेन को लेकर जा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा बड़ी स्पीड से आसमान की तरफ जा रहा होता है एंड एमरॉन भी उसी डायरेक्शन में बड़ी स्पीड से जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से रुक जाता है आसमान में, पर ज़्यादा स्पीड होने के कारण एमरॉन अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एक पंच दे मारता है एमरॉन के चेहरे पर जैसे ही एमरॉन उसके सामने आता है। हम देखते हैं कि जैसे ही ये पंच एमरॉन को लगता है, हम देखते हैं कि एमरॉन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। एंड उल्टा हम देखते हैं कि एमरॉन ही वेजिटा का सिर पकड़ लेता है एंड अपने सिर के साथ वेजिटा के सिर को पटकने लग जाता है। एंड इसके बाद एमरॉन एक अटैक शूट कर देता है वेजिटा की तरफ, जिसकी वजह से वेजिटा हवा में उड़ जाता है। एंड एमरॉन बोलता है कि इस तरीके से तुम मुझे कोई भी चोट या फिर कोई भी डैमेज नहीं पहुँचा सकते हो वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने आप को रोकता है एंड वेजिटा एमरॉन से बोलता है कि मुझे तुम भड़काने की कोशिश मत करो एमरॉन, मैं इन सारी पचकानी चीज़ों को पार करके आगे आ चुका हूँ। एमरॉन बोलता है कि तुम्हारे पास्ट को देखकर तो ये नहीं लगता कि तुम ऐसे थे। एंड तभी वेजिटा बोलता है कि तुम मुझे जितना चाहे स्कैन कर लो, तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि मैं क्या हूँ। तभी एमरॉन बोलता है कि तुम बहुत ही सारा प्राउड हो। एंड वेजिटा गुस्से में एमरॉन को बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड एमरॉन इसके बाद बोलता है कि चलो कुछ दूसरा कोशिश करते हैं। एंड एमरॉन बोलता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे दो भाड़े के टट्टू में से एक टट्टू जिसका नाम है सलाका, वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल चुका है जिनसे तुम प्यार करते हो, जैसे कि बुलमा। ये सुनकर वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा वापस से होश में आ जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि ये सारे बकवास गेम मेरे साथ मत खेलो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड अभी हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एमरॉन के ऊपर। एंड एमरॉन वेजिटा से बोलता है कि अपना सब कुछ दे दो अगर तुम जीतना चाहते हो तो। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बड़ी तेज़ी से एमरॉन की तरफ जा रहा होता है एंड वेजिटा की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि एमरॉन को भी नहीं दिख रहा होता।
एंड वेजिटा जाते जाते बोलता है कि तुम चुप रहो। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एक पंच मारने वाला होता है एमरॉन को, एंड उसे देखकर एमरॉन बोलता है कि फाइनली। इतने में हम देखते हैं कि वेजिटा एक पंच मार चुका होता है एमरॉन को, एंड ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि हमें एमरॉन का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता। जैसे ही ये पंच एमरॉन को लगता है, हम देखते हैं कि एमरॉन हवे में उड़ जाता है। पर हम वेजिटा को जानते हैं, वेजिटा एमरॉन का पीछा यहाँ पर भी करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा एमरॉन को फॉलो करता हुआ जा रहा होता है, एंड एक अपरकट मारने में कामयाब हो जाता है एमरॉन को। एंड वेजिटा एमरॉन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एक और पंच मारने में कामयाब हो जाता है एमरॉन को। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मेरे आर्मी और मेरी वाइफ को डरा सकते हो। एंड इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एक जोरदार किक मारने वाला होता है एमरॉन को। एंड जैसे ही ये किक एमरॉन को लगता है, हम देखते हैं कि एमरॉन जमीन की तरफ जाने लग जाता है। एंड इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने हाथ में एक अटैक बनाने लग जाता है। एंड जैसे ही वेजिटा वो अटैक एमरॉन की तरफ शूट करता है, हम देखते हैं कि वो अटैक एमरॉन की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है। एंड वेजिटा भी अपना फुल एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाता है उस अटैक में। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के हाथों में एक चेन आके बन जाता है, जिसके वजह से वेजिटा अपना अटैक नहीं कर पा रहा होता। एंड हम देखते हैं कि वो चेन चारों तरफ से वेजिटा को जकड़ने लग जाता है। एंड वेजिटा ने जो अटैक एमरॉन की तरफ शूट किया था, हम देखते हैं कि एमरॉन चेन का मदद लेके उस अटैक से बच जाता है। एंड चेन की मदद लेते हुए वो वेजिटा की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है। जैसे ही एमरॉन वेजिटा की तरफ जाता है, हम देखते हैं कि एमरॉन एक जोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है वेजिटा को। पर हम देखते हैं कि वेजिटा को ये पंच लगने के बावजूद ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता। एंड वेजिटा बोलता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ तुमसे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाने लग जाता है। एंड वेजिटा के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर एमरॉन भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया रहता है। एंड एमरॉन बोलता है कि हाँ, यही मुझे चाहिए था, तुम अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करो और बाहर निकालो अपनी पूरी एनर्जी को। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक एनर्जी अटैक शूट कर देता है एमरॉन की तरफ। एंड ये अटैक वेजिटा ने बिल्कुल ही एमरॉन के पास किया हुआ होता है, जिसकी वजह से एमरॉन इसे डॉच नहीं कर सकता है। एंड जैसे ही ये अटैक एमरॉन को लगता है, हम देखते हैं कि एमरॉन बड़ी तेज़ी से पीछे खिसका जा रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा तुरंत ही एमरॉन के पास आ जाता है, एंड उसके ऊपर एक अटैक शूट करने वाला होता है। हम एमरॉन के चेहरे को जैसे नज़दीक से देखते हैं, हमें पता चलता है कि एमरॉन के मास्क के ऊपर क्रैक पड़ चुका है, यानी कि वेजिटा का लास्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। पर इस बार हम देखते हैं कि वेजिटा अटैक करने में कामयाब नहीं होता, एंड उल्टा एमरॉन ही चेन से वेजिटा को बांध देता है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा के चारों तरफ चेन बन जाती है, जिसके वजह से वेजिटा कुछ कर नहीं पा रहा होता। एंड चेन के बनने के वजह से हम देखते हैं कि वेजिटा का डिफेंस पूरी तरीके से लो हो जाता है, जिसके वजह से एमरॉन एक पंच दे मारता है वेजिटा को। एंड जैसे ही एमरॉन एक और पंच मारने वाला होता है वेजिटा को, हम देखते हैं कि वेजिटा अपने आप को झुक कर बचा लेता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसके वजह से एमरॉन ने जो चेन से बांधा था वेजिटा को, वो चेन पूरी तरीके से टूट जाता है। एंड वेजिटा का हाथ पैर चेन से आज़ाद हो जाता है। एंड वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एमरॉन के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एमरॉन के सिर पर एक पंच दे मारता है। एंड ये पंच बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। एंड हम देखते हैं कि इस चीज़ को कावा भी नोटिस कर लेता है। एंड कावा बोलता है कि मिस्टर वेजिटा, मैं पावरलेस फील कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ब्रॉली भी इस डीमन का सामना ज़्यादा देर तक कर सकता है। एंड कावा किंग सेडाला से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इंटरफियर करना ही होगा इस लड़ाई में। एंड किंग सेडाला बोलते हैं कि वेजिटा हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है, पर हम बस यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और हम इस लड़ाई में इंटरफियर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी खो दें इस मल्टी यूनिवर्स वॉर के पहले। एंड काबा इसके बाद किंग सेडाला से बोलता है कि आप जो बोल रहे हो, मैं उसको पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, पर इस वक्त हम बात वेजिटा और ब्रॉली की कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को खो देंगे तो शायद हम सब कुछ खो देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन वॉरियर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए जिन्होंने हमारे यूनिवर्स को डिफेंड करने की कोशिश की थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में। मैं सिंसियरली केएल और क्वालिफला के ऊपर विश्वास करता हूँ, और मैं खुद पर भी विश्वास करता हूँ कि हम तीनों मिलकर कुछ ज़रूर करेंगे।
और इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद जब ब्रॉली डोला से पूछता है कि तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ पर है, एंड डोला बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली एकदम से सुपर सैन में बदल जाता है, जिसे देखकर डोला डर जाता है। एंड ब्रॉली डोला से पूछता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली एकदम से डोला का पांव पकड़कर खींचने लग जाता है एंड उसे ज़मीन से घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोला अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है, पर हम देखते हैं कि ब्रॉली उस शील्ड को उठाकर फेंक देता है। एंड जैसे ही डोला ज़मीन से टकराता है, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम वेजिटा और डोला को देखते हैं, हम देखते हैं कि दोनों ही जख्मी हालत में होते हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम एमरॉन को देखते हैं। हम देखते हैं कि एमरॉन काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है एंड एमरॉन का मास्क अभी और भी ज़्यादा टूट गया होता है। एंड एमरॉन के मास्क को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने जगह से हिल गया होता है। एंड इसके बाद वाले पेजेस में हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से चिल्लाने लग जाता है। एंड वेजिटा एमरॉन से पूछता है कि क्या तुम ये सब कुछ इन्जॉय कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो, मुझे तुम जल्दी बता दो। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से अपने मास्क को ठीक करने लग जाता है एंड एमरॉन बोलता है कि मुझे तुम एमरॉन बोलो और मैं अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ यूनिवर्स 14 का। एंड वेजिटा बोलता है कि तो तुम्हें क्या ये लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी को ये अधिकार या ये राइट्स देता है कि वो किधर भी जाकर गड़बड़ करेगा एंड किधर भी जाकर डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। एंड एमरॉन बोलता है कि मैं बस एक डाइवर्जन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा हर दिन नहीं होता कि मैं किसी मॉडल का सामना कर रहा होता हूँ जिसे एक इंजीनियर ने ट्रेनिंग दिया है, और मैं सच बताऊँ तो मैं तुमसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बल्कि मुझे और चाहिए। इसे सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटा हैरान रह जाता है एंड वेजिटा भी तैयार हो जाता है और भी फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिला लेता है, जिसके वजह से एक बहुत ज़्यादा रोशनी एमरॉन के आँखों के ऊपर गिरती है। एंड जैसे ही ये रोशनी हटती है, हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से बड़ी तेज़ी से निकल रहा होता है एंड वेजिटा काबा केएल एंड कॉलीबिला से ये बोलता है कि तुम तीनों मिलकर सलाका को ढूंढो, सलाका बुलमा और बाकी सबको ढूंढने गया है, तो तुम हर वो कोशिश करो जिससे तुम्हें बुलमा मिल जाए, और जैसे ही तुम्हें बुलमा मिल जाए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एमरॉन मुझे ज़्यादा दूर जाने देगा, तो अब सब कुछ तुम पर है। जैसे ही ये ऑर्डर्स मिलते हैं, हम देखते हैं कि कॉलीफिला काबा एंड केएल वहाँ से निकल जाते हैं एंड वेजिटा किंग सैडला से ये बोलता है कि तुम्हें भी इस फाइट में हिस्सा लेना होगा। एंड किंग सैडला बोलते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। एंड वेजिटा बोलता है कि इससे ज़्यादा तो मैं तुमसे कुछ मांग भी नहीं सकता हूँ। इसके बाद हम ब्रॉली और डोला के बीच चल रही फाइट में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि डोला ने कुछ मैजिक का इस्तेमाल करके ब्रॉली को हिप्नोटाइज कर दिया है, जिसके वजह से ब्रॉली अपना होश खो रहा है, जिसे देखकर एक शख्स बोलता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर रहा है। एंड डोला बोलता है कि मुझे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस बड़े से शख्स को बस सुलाना है, पर तुम मुझे देखो, मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं लगता मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तीन सेयन एंड किंग सैडल आ जाते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब वक्त आ चुका है कि इन सभी चीज़ों का सामना अब हम करें। इतने में हम देखते हैं कि डोला ब्रॉली को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो जाता है एंड डोला एक पंच मारने वाला होता है ब्रॉली को। ये पंच ब्रॉली को लगने के बावजूद हम देखते हैं कि ब्रॉली सो रहा होता है एंड हम देखते हैं कि डोला हंसने लग जाता है। डोला लगातार ब्रॉली को पंचेस मारे जा रहा होता है, पर ब्रॉली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ब्रॉली सो ही रहा होता है, जिसे देखकर सभी सेयंस हैरान रह जाते हैं। एंड एक सेयन बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का फाइटर है जो उस शख्स के ऊपर हमला किए जा रहा है जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। एंड वो शख्स बोलता है कि आखिर तुम उन लोगों से क्यों नहीं लड़ते जो लोग कॉन्शियस है। हम देखते हैं कि डोला ब्रॉली को मारते मारते थक गया रहता है एंड डोला की नज़र किंग सैडला के ऊपर पड़ती है। एंड जैसे ही डोला की नज़र किंग सैडला के ऊपर पड़ती है, डोला किंग सैडला से बोलता है कि मुझे ज़रा माफ़ करना, क्या तुम लोग मुझे 10 मिनट के लिए आराम करने दे सकते हो, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। किंग सैडला बड़ी गुस्से से डोला को देख रहे होते हैं एंड डोला किंग सैडला से बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे फिर तो मैं तुम्हें भी सुला दूंगा, जैसे मैंने इस बड़े मसल वाले को सुलाया है, अब ये तुम्हारे ऊपर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि डोला पीछे मुड़कर देखता है एंड जैसे डोला पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि ब्रॉली जाग चुका है एंड हम देखते हैं कि ब्रॉली सीधा डोला के चेहरे को जकड़ लेता है एंड डोला बोलता है कि ये शख्स कोई नॉर्मल शख्स नहीं है,
मुझे यहाँ से निकलना ही होगा जितनी जल्दी हो सके। इतने में हम देखते हैं कि डोला अपने चेहरे को ब्रॉली से छुड़ा लेता है, पर हम देखते हैं कि ब्रॉली डोला के पाँव को पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं कि डोला वहाँ से भागने लग जाता है एंड डोला बोलता है कि मुझे सलाका को ज्वाइन करना होगा और फिर हम इसका सामना करेंगे। इसके साथ अकेले लड़ना तो बिल्कुल मौत के बराबर है। तभी हम देखते हैं कि डोला कुछ नोटिस करता है एंड हम देखते हैं कि डोला हिल नहीं पा रहा होता एंड डोला बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, आखिर इस गोरिल्ला ने मेरे साथ किया क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली एक अटैक बनाने लग जाता है एंड ब्रॉली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन डोला से कुछ बोलता है एंड वो ये बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो डोला, उसके साथ खेलना बंद करो। एंड डोला एमरॉन से बोलता है कि ये ग्रीन कपड़ों में जो सैयन है ये वाकई में कोई अलग सैयन है, इसकी पावर लेवल कुछ और ही कहती है, पर अब भागने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच गया है। एंड एमरॉन बोलता है कि ब्रॉली। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन कुछ करने लग जाता है एंड एमरॉन बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली एक अटैक करने वाला होता है डोला की तरफ एंड डोला बोलता है कि जैसे ही उसने चार्ज करना शुरू किया उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और ऐसा ही विनरेबल हेयर ने प्रेडिक्ट किया था। और तभी हम देखते हैं कि डोला दो पॉट होल्स बना लेता है एंड उन पॉट होल्स में अपना हाथ घुसा देता है एंड वो किसी को बाहर निकाल रहा होता है उन दोनों पॉट होल्स में से। एंड जैसे ही वो दोनों शख्स को बाहर निकालता है उस पॉट होल से, हम देखते हैं कि ब्रॉली पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड ब्रॉली का हैरान चेहरा देखकर डोला हंस रहा होता है एंड हम देखते हैं कि डोला चिलाई और लीमो को निकालता है उन पॉट होल में से एंड जिसे देखकर ब्रॉली बोलता है कि इनके साथ कुछ मत करो, मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो। एंड डोला बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मेरे चेहरे को तुम अच्छे से देख लो बेवकूफ़ कह के, क्या तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा स्मार्टियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड चिलाई ब्रॉली से बोलती है कि ब्रॉली तुम मेरी चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ही कील की तरह, ये हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, हम ज़रूर इसके होस्टेज है पर तुम्हें काबू में करने के लिए इसे हमारी ज़रूरत है तो इसलिए ये हमें नहीं मारेगा, क्या मैंने सही बोला डीमन। एंड डोला बोलता है कि होस्टेज, क्या होस्टेज। एंड ये बोलने के बाद वो लीमो को नीचे गिरा देता है एंड किंग सेडाला लीमो को पकड़ लेते हैं एंड किंग सेडाला बोलते हैं कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तभी हम देखते हैं कि डोला चिलाई को काट देता है एंड चिलाई के पेट के आर पार एक तलवार घुसा देता है एंड जिसे देखकर ब्रॉली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही चिलाई ज़मीन पर गिरती है उसके ज़ुबान पर सिर्फ ब्रॉली का नाम होता है एंड चिलाई को मरता देख ब्रॉली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर।